नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। अभी तक देखने को मिला है ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार से भारतीयों के साथ संवैधानिक राइट्स बोलते हैं वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से भारतीय जनमानस व कांग्रेस के लीडर्स के मध्य बहुत ज़्यादा असंतोष देखने को मिलता है। अभी अभी आए क्रिप्स मिशन में भी ऐसी चीजें देखने को मिली। इस वजह से भारतीय जनमानस बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाता है। कहते हैं अभी तक दो बड़े आंदोलन कर चुके थे, लेकिन अब स्थिति इससे भी ज्यादा विकट हो गई थी। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अब जेल भरने से काम नहीं चलेगा, अब तो करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई थी। और इसी के साथ देखने को मिलेगा गांधी जी अपना तीसरा सबसे बड़ा मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। इसी को हम सबसे पहले 5W1H के आधार पर हम पूरे टॉपिक को समझेंगे, साथ ही साथ उन परिस्थितियों को भी जानेंगे जिसके कारण ये मूवमेंट प्रारंभ होता है। साथ ही देखेंगे कि इसकी जो शुरुआत की प्लानिंग व कांग्रेस कमेटी की जो अनुशंसा व उसकी परमिशन ये वर्धा मीटिंग के अंदर ली जाएगी उसको भी जानेंगे। साथ ही साथ देखने को मिलेगा इस मूवमेंट की जो शुरुआत होती है वो ग्वालियर टैंक मुंबई से होती है, उनके बारे में भी विस्तार से समझेंगे। साथ ही देखने को मिलेगा कि इस मूवमेंट के दौरान बहुत सारी देश के विभिन्न कोनों में पैरेलल गवर्नमेंट भी बनाई गई थी, उनका क्या योगदान रहा इस मूवमेंट में। और साथ ही देखेंगे जब टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो उनके स्थान पर कौन अपना रोल अदा करेगा, जिसमें अलग अलग लीडर्स को देखने को मिलेगा। साथ ही देखेंगे कि जब कांग्रेस मूवमेंट को पूरे देश में स्प्रेड कर रही होती है तो बाकी जो पार्टीज और लीडर्स का इस आंदोलन के प्रति क्या व्यू रहता है, इन सभी बातों को हम विस्तार से समझेंगे। चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर और विस्तार से जानते हैं। 5W1H के आधार पर बाकी टॉपिक्स की तरह इस टॉपिक को भी समझेंगे। सो चलिए चलने और देखते हैं। कहते हैं इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए थे उन सभी का नेतृत्व भारतीय जनमानस ने महात्मा गांधी जी के हाथों में दिया था, तो उसी ने उन्हीं की कंटिन्यूटी में हमें देखने को मिलेगा इस आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी जी के हाथों में देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट देखेंगे हु के बाद में तो व्हाट, तो ये क्या था, इट वाज आल्सो ए मूवमेंट जिसे हमने नाम दिया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या नाम दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वेयर, तो ये आंदोलन कहाँ हुआ, तो इससे पहले कहाँ हुए, सारे आंदोलन ही भारत में होते हैं और भारत में ही गांधी जी नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये आंदोलन भी भारत में होता है जिसकी शुरुआत मुंबई से तो होती है लेकिन ये पूरे देश में स्प्रेड होता है, तो ये देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट चीज देखते हैं कि तो बताइए मानसिंह जी कब हुआ, तो जब हम देखते हैं मुंबई के अंदर जो जुलाई में वर्धा में मीटिंग होती है वहां से मूवमेंट स्टार्ट करने की बात आती है, और उसके बाद जब हम देखते हैं कि मुंबई में ग्वालियर टैंक में इसको पारित करके 9 अगस्त से किसकी, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी जो 1942 में देखने को मिलता है। अब बात आती है कि स्टार्ट किया तो क्यों किया, कि हर बात के पीछे कारण होता है, हर समस्या के पीछे कारण होता है, तो इस समस्या के पीछे क्या कारण था कि गांधी जी जैसे महान लीडर्स को एक नया मूवमेंट खड़ा करना पड़ा, तो जिसमें हमको देखने को मिलेगा फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। इन्हीं सभी बातों को हम विस्तार से अभी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसमें वापस रिवाइज कर लेते हैं कि महात्मा गांधी वॉज द लीडर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। कहाँ पर हुआ, भारत में, तो कब हुआ, कब हुआ, तो अगस्त 1942 में, तो क्यों हुआ, तो फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये सारी बातें देखने को मिलती है। बैकग्राउंड की जब बात आती है जो इन बैकग्राउंड्स में अगर आकर देखते हैं तो ये सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं
कि इन्हीं के कारण भारत में एक इतना बड़ा मूवमेंट गांधी जी को खड़ा करना पड़ा, जिसमें सबसे पहले देखेंगे फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। सो इसकी पहली बात ये थी कि डोमिनियन स्टेट, जिस बात की मांग 1920 और 28 तक की जा रही थी, उसे उसको अब ये दोहरा कि डोमिनियन स्टेट दे देंगे, क्या मीनिंग था। और एक और सबसे बड़ा जहर क्या उगल रहे हैं क्रिप्स मिशन के अंदर, कि अगर कोई मुस्लिम लीग या कोई प्रिंसली स्टेट अलग से डोमिनियन स्टेट की मांग करता है तो वो भी दिया जा सकता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा भारत को अनेकों टुकड़ों में बांटने का ब्रिटिश साम्राज्य का प्लान। तो इसी वजह से क्या क्रिप्स मिशन फेल होता है। सो अब नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लोइटेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहते हैं अभी जब ये आए थे तब से लेकर इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों के अंदर भारत का शोषण किया था। और इनकी शोषणकारी नीतियों के कारण ही पूरा देश, पूरा जनमानस आंदोलित होता था। सो ये भी कारण रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड इतनी सी ही रहेगी कि भाई अब हमें आजाद कर दी। स्टार्टिंग में तो वो स्वराज की बात करेंगे, लेकिन आते देखिए यहां पर तो स्टार्टिंग में स्वराज की मांग करेंगे, लेकिन अब ये किसकी मांग कर रहे हैं, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मींस टोटल इंडिपेंडेंस या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ये बात करेंगे, ये आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर गांधी जी और बाकी लीडर्स कहते हैं कि भारत उस बेटे के समान है जो कि कोई पिता है, अगर बेटे की भुजा जिम्मेदारियां संभालने के लिए काबिल हो गई हो तो बाप की समझदारी है कि वो सत्ता बेटे को ट्रांसफर। लेकिन यहां क्या है, ब्रिटिश सरकार भारतीय कैपेबल होने के बाद भी भारतीयों को अपनी सत्ता, उनकी नहीं अपनी ही सत्ता देने से इनकार कर। तो वो यहां पर एक और बात आपको समझाना चाहूंगा कि या तो फल जब तक कच्चा रहता है तब तक पेड़ से अटका रहता है, कोई भी फ्रूट होता है तब तक लगा रहता है पेड़ से कि जब तक वो कच्चा रहता है, जिस दिन पकेगा ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। तो कह रहे हैं भारतीय कि या तो हमें कर दो, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि हम खुद ही ले लेंगे। तो वो स्थिति ना आए, वो स्थिति बड़ी विकट होगी। तो इस बात को जो कांग्रेस और इनके लीडर ब्रिटिश साम्राज्य को चेता रहे, और साथ ही साथ देखने को मिलेगा थ्रेट ऑफ जापानीज इन्वेंशन की, देखने को मिला था अभी कि ब्रिटिश साम्राज्य जापान के आक्रमण से भी डरा हुआ था। इस वजह से भारतीयों को बातों में उलझाने के लिए वो क्रिप्स मिशन भेजता है, ठीक है, ताकि उनके माइंड को डाइवर्ट कर सके। कैसे माइंड को डाइवर्ट कर सके, एक तो इन्होंने मूवमेंट न खड़ा कर दे, दूसरा हमको समर्थन दे दे, ये ऐसी विरोध और नेशनल गतिविधियों को रोक सके। इस वजह से इनको क्रिप्स मिशन लाए थे। और अब क्या था कि जापान है वो भारत पर अटैक करना चाहता है, क्या भारतीयों से नाराज है, नहीं, वो ब्रिटिश कॉलोनी होने के नाते भारत पर अटैक करना चाहता है। तो इस वजह से क्या हुआ सर, इस वजह से हमको देखने को मिलेगा कि बच्चों ये जितना भी कोस्टल एरिया है, एक मिनट यहां देखेंगे, ये जितना भी बंगाल वाला उड़ीसा वाला जो कोस्टल एरिया है वहां पर जितनी भी नावें हैं आम लोगों की, उन सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट सीज कर देती है। क्यों कर देती है सर, क्योंकि यहाँ बर्मा तक, ये अंडमान तक जापान पहुंच गया है। तो इस वजह से चाहते हैं कि अगर वो आएंगे तो इन नावों से वो यहाँ पहुंचने में हेल्प ले सकते हैं, तो इस डर से। और साथ में जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे उनको भी सीज कर देती है। साथ में यहाँ तक इतना भी देखने को मिलेगा जो कैनल्स हैं उन कैनल्स का भी पानी छोड़ देती है, कहीं वो इन कैनल्स के रास्ते ट्रांसपोर्ट में यूज ना कर ले। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे, इस वजह से ब्रिटिश सरकार ट्रांसपोर्टेशन हो, कैनल्स का पानी छुड़वा देती है, इस वजह से खेत सूखने लगते हैं और स्थिति इतनी भयावह हो जाती है
कि इस क्षेत्र विशेष नहीं कि इस क्षेत्र में बल्कि पूरे देश के अंदर अफरा तफरी वाला माहौल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रिटिश सरकार इन सबको सीज कर रही है, इस वजह से आम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अब लग रहा है कि अटैक किधर से भी हो सकता है। उस स्थिति में जो बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, जहां पर भी डिपॉजिट थे, लोग पैसा निकलाकर उसको गोल्ड में कन्वर्ट करा के विकट परिस्थिति या आपातकाल के लिए अपने पास रख रहे हैं। तो देश के अंदर एक भय का माहौल क्रिएट हो गया है और उस भय के माहौल में ब्रिटिश सरकार कुछ भी हेल्प करने को तैयार नहीं है भारतीयों की। और ऐसा क्यों, भारतीयों को क्यों विश्वास हुआ कि ब्रिटिश सरकार हेल्प नहीं करेगी? क्योंकि इससे पहले मलाया हो और सिंगापुर वाले क्षेत्र हो, यहां पर भी तो ब्रिटिश सरकार चेहरा ढक्के भगी थी कि वहां पर भी ये जो कॉलोनीज थी वहां पर ब्रिटेन की, वहां पर भी ये अपने आप को बचा के अपने ऑफिसर्स अपने आदमी को निकाल के लेके आ गई और बाकी लोगों को भगवान भरोसे छोड़ के आ गई वहां के स्थानीय लोगों को। तो भारतीयों को भी लग रहा था कि ये ऐसा ही हमारे साथ करने वाली है, तो इस वजह से भी इस मूवमेंट को बल मिलता है। तो अब चलते हैं, यही कारण रहे इसकी वजह से ये मूवमेंट खड़ा होता है। प्लानिंग ऑफ मूवमेंट, कहते हैं आफ्टर द फेल ऑफ द क्रिप्स मिशन, कहते हैं क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट इन वर्धा ऑन 14 जुलाई 1942। कहते हैं क्रिप्स मिशन की जब असफल हुआ तो वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स मीटिंग करते हैं। इन विच गांधी चैलेंज द कांग्रेस इन द इवेंट इट्स न्यू प्रपोजल नॉट गिविंग एक्सेप्ट। गांधी जी एक नया प्रपोजल लाते हैं जिसको जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कुछ लोग मना कर देते। इस बात से गांधी आवेशित और आक्रोशित दोनों हो जाते। कहते हैं ब्रिटानी सरकार बहुत शैतानी सरकार है और इसके साथ अब सहयोग संभव नहीं है, तो अब क्या करना होगा, हमें नया मूवमेंट स्टार्ट करना होगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सुटेबल समय नहीं है महात्मा गांधी जी, लेकिन वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। किससे? केवल और केवल देश की बालू से। दोबारा देख लीजिए, आई विल लॉन्च अ बिगर मूवमेंट देन द कांग्रेस फ्रॉम द सैंड ऑफ द कंट्री, कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। जब गांधी जी ऐसी बातें कहने लगे तो बहुत सारे लोगों ने गांधी की बात को माना। और तो देखिए क्या होता है, एट दिस मोमेंट गांधी जी आइडियाज रिसीव फुल सपोर्ट, और इस वजह से गांधी के विचार को पूर्ण समर्थन मिला बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी एंड अदर लीडर्स। इस वजह से अब सभी लोगों का समर्थन मिलता है गांधी जी को। इन दिस मीटिंग गांधी वॉज ऑथराइज टू लॉन्च द मूवमेंट, और इस आधार पर गांधी जी को एक नया आंदोलन प्रारंभ करने की परमिशन मिल जाती है। किससे? कांग्रेस वर्किंग कमेटी से। ओके, आगे देखते हैं। इसी दौरान जो जवाहरलाल नेहरू जी बहुत सारी मीटिंग्स में इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे, लेकिन अंत में वो भी एग्री हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी तिलक दिवस जो इलाहाबाद में मनाया गया उसमें कहते हैं कि हम डबल एजेड स्वॉर्ड्स हूज वोमिटिंग कैन हर्ट अस टू, कहते हैं हम ऐसी दुधारी तलवार से लड़ने जा रहे हैं जिसकी चोट वापस हम पर भी हो सकती। तो ये बात हमको देखने को मिलती है ये सारी प्लानिंग के दौरान, जिसमें हमको देखने को मिला कि वर्धा में 14 जुलाई 1942 को मीटिंग होती है और वहां पर गांधी जी कांग्रेस को ललकारते हैं, तब जाकर उनको परमिशन मिलती है। तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव में IAS RAS और अदर कॉम्पिटिटिव में ये वर्धा मीटिंग को सबसे ज्यादा, और गांधी जी के इस शब्द और इस जो सेंटेंस को सबसे ज्यादा पूछा गया है, और साथ में जो ये आइडिया कि दूधारी तलवार की बात भी सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछी गई है, और आपके ऑब्जेक्टिव में भी CBSE में पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से याद रखिए। अब चलते हैं बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट। इन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो परमिशन थी वो ले ली थी, लेकिन इसे अनुमोदित मतलब पास और करवाना था। तो अब मूवमेंट की रूपरेखा क्या होगी इन सभी के बारे में कहते हैं। ऑन 7 अगस्त 1942 कांग्रेस कमेटी
मीटिंग स्टार्टेड इन द हिस्टोरिकल ग्वालियर टैंक। 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई में मीटिंग होती है कांग्रेस टीम के दौरान द रिजोल्यूशन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। कहते हैं यहाँ पर जो क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव रखा जाता है और ऑन 8 अगस्त 1942 इन मुंबई, और क्या होता है ये 8 अगस्त को पास हो जाता है। क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजोल्यूशन पास हो जाता है। अब जब रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो हमको देखने को मिलेगा गांधी जी सेड इन द इमोशनल टर्म। गांधी जी इमोशनल होते हुए अब कह रहे हैं कि भाई क्या अब जेल भरने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के साथ अभी तक हम असहयोग की नीति अपना रहे थे, इनके रूल्स को ब्रेक कर रहे थे, तो ये नहीं समझ रहे हैं, तो अब तो हमें डू और डाई मींस करो या मरो की नीति का पालन करना पड़ेगा, मींस आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, तो अब तो क्या चाहिए? तो फिर अब हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, इतना या उतना नहीं, अब तो पूरा चाहिए। इफ और बिट से काम नहीं चलने वाला, इस वजह से अब गांधी जी कह रहे हैं डू और डाई। तो बहुत सारे जो हिस्टोरियन हो या थिंकर हो, फिलोसफर हो, इस पर गांधी जी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या गांधी जी अब अहिंसा का पालन नहीं करना चाहते क्या? नहीं, ऐसा नहीं। जब गांधी जी से इनके बारे में पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि जब हिंसा और अहिंसा में मुझे कुछ चुनना होगा तो मैं अहिंसा चुनूंगा, और जब हिंसा और कायरता में चुनना होगा तो मैं हिंसा चुनूंगा। कायर होने की बजाय मैं हिंसक होना ज्यादा बेटर मानूंगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अब भारतीयों को कायर समझने लग गई है, तब मुझे ऐसी बात कहनी पड़ रही। तो इसी वजह से इस बात को देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे, इन दिस मोमेंट इफ द लीडर इज नॉट प्रेजेंट देन एवरी वॉलंटियर विल वर्क अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन। देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश सरकार हो सकती है कि सारे लीडर्स को अरेस्ट कर ले, उस कंडीशन में आप ये ध्यान रखेंगे कि आप अपने विवेक से इस आंदोलन का, जितने भी क्रांतिकारी हैं अपने अपने विवेक से इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। ये बात ध्यान रखने की है। द गवर्नमेंट वॉज अलर्ट एंड द सेम डे नाइट अंडर ऑपरेशन जीरो हावर। और गवर्नमेंट क्या करती है, ऑपरेशन जीरो हावर के तहत कांग्रेस के टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है। जैसी शंका महात्मा गांधी जी व्यक्त कर रहे हैं कि टॉप लीडर्स इज नॉट प्रेजेंट, तो वैसा ही ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि लीडर्स को पहले ही आशंका थी कि ब्रिटिश सरकार ऐसा कुछ करने वाली है, तो ये पहले से ही सचेत, और जितने भी लोग हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, सबको बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है, तैयार रहिएगा, ब्रिटिश सरकार ऐसी सोच रही है। इसी दौरान ऑपरेशन जीरो हावर के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है और गांधी जी को आगा खां पैलेस में बंदी बनाकर या जेल में रखा जाता है, और बाकी अन्य लीडर्स को अहमदनगर के किले में रखा जाता है। सो ये वाली चीजें देख लीजिए दोबारा, कंपटीशन में डायरेक्ट पूछी जाती है। मीटिंग हुई कहां? ग्वालियर टैंक के अंदर, और क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन 8 अगस्त को पास होता है। गांधी अपने सबसे बड़ा नारा डू और डाई का यहां पर देते हैं, कहते हैं कि कभी भी किसी लीडर को भी, पूरे लीडर्स को अरेस्ट कर सकती, कौन से ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सबसे ज्यादा पूछा गया है, और गांधी जी को आगा खां पैलेस और बाकी को अहमदनगर के फोर्ट में रखा गया। सो ये वाली बातें दिखते हैं। अब इसके बाद देखने को मिलेगा कि जब गांधी और कांग्रेस के टॉप लीडर्स अरेस्ट कर लिए जाते हैं तो पूरा देश आंदोलित हो जाता है और आम जन बहुत ज्यादा नाराज हो जाता था। एंड वायलेंट एजिटेशन स्टार्टेड इन मुंबई बिटवीन 9 अगस्त एंड 14 अगस्त, और इसी दौरान पूरे देश न केवल आंदोलित होता है बल्कि हिंसक भी हो जाता है। जब हिंसक होते हैं देखते हैं, कलकत्ता बिकेम टर्बुलेंट बिटवीन 10 to 14 अगस्त। कलकत्ता मुंबई से, न केवल मुंबई बल्कि कलकत्ता, और देखेंगे देश के अलग कोनों में, पटना में गोली चलती है, तो ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिलेगी। मूवमेंट अब सिटीज को क्रॉस करते हुए रूरल इलाके में भी एंटर होने लगेगा। सो ये वाली बातें भी आपको देखने को मिलेगी। बाय द मिड अगस्त द मूवमेंट स्प्रेड टू रूरल एरियाज एंड
एंड मास मूवमेंट स्टार्टेड इन नॉर्थ एंड द सेंट्रल बिहार। सो ये वाली बातें भी आपको देखने को मिलेगी। पैरेलल गवर्नमेंट कहते हैं इस आंदोलन के अंदर इसका रूप ही कुछ अलग तरीके से था, न केवल जनमानस बल्कि जनमानस ने ब्रिटिश सरकार के पैरेलल अलग अलग जगह अलग अलग सरकारें भी बनाई, जिसमें बलिया बस्ती जो यूनाइटेड प्रोविंस में, सतारा के अंदर गवर्नमेंट इन मुंबई, मिदनापुर इन बंगाल एंड तालचेर इन उड़ीसा एंड बाच ऑफ बिहार जैसी बहुत सारी टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें आपको यहां पर देखने को मिलेगा सबसे लंबे समय तक सतारा की सरकार रही जो हेडेड बाय नाना पाटिल, जिसे नाना पाटिल ने शासित किया या इनकी लीडरशिप में रही, जिसके साथ देखने को मिलेगा कि जो पहली जो गवर्नमेंट थी वो थी चीतू पांडे इन बलिया। जो बलिया वाली जो गवर्नमेंट थी ये पहली ही गवर्नमेंट थी जो चीतू पांडे के द्वारा बनाई गई थी। ये कम समय रही लेकिन फिर भी इनका प्रभाव भारतीय जनमानस पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ये सबसे ज़्यादा सबसे बलिया और जो सतारा वाली गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा कंपटीशन में पूछी गई है, सबसे पहले किसके द्वारा, चीतू पांडे, और सबसे लंबे समय तक सतारा वाली गवर्नमेंट रही। और ये बाकी गवर्नमेंट्स के बारे में भी पूछा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा, सीबीएसई भी पूछेगा। आगे देखते हैं, द एस्टैब्लिश ए नेशनल गवर्नमेंट हियर हुज एक्सपीरियंस वाज टू बनारस एंड गाजीपुर। द नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन तमलुक और मिदनापुर कंटिन्यूड टिल 1940 AD। द गवर्नमेंट हियर ऑल्सो नोन एज द कास्ट गवर्नमेंट। और बहुत सारी जातीय सरकारें भी बनाई गई। द फार्मर्स ऑल्सो ज्वाइन दिस मूवमेंट एंड स्टार्टेड अटैकिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द फार्मर्स। कहते हैं न केवल यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के लीडर हो, कांग्रेस लीडर्स हों, इनके बाद अंडरग्राउंड रहने वाले, साथ ही साथ स्टूडेंट भी जस्ट आ जाएंगे, साथ ही साथ सरकारी भी बनी, और अब तो किसान भी मूवमेंट में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, बिल्डिंग्स में पुलिस स्टेशंस, पोस्ट ऑफिस, बैंक और जितने भी बिल्डिंग्स हो सबको तोड़ा फोड़ा, आग लगाई जा रही है, पटरियां उखाड़ दे रहे हैं, जो जितने भी टेलीग्राफ के तार हैं तोड़ दे रहे हैं, जितनी भी जो कम्युनिकेशन के साधन थे सबको तहस नहस कर दे, क्योंकि इस आंदोलन को मतलब बढ़ावा इन्हीं के द्वारा दिया जा सकता है। तो मतलब पूरा जनमानस कांग्रेस के लीडर की एब्सेंटी में आंदोलित हो जाता है। आगे देखने को मिलेगा, द रिप्रेशन साइकिल ऑफ द गवर्नमेंट बिकम वेरी फायरसी। इसी दौरान जितनी तेज गति से ये मूवमेंट बढ़ता है उतनी ही बुरी तरह से गवर्नमेंट इन क्रांतिकारियों के साथ बर्ताव करती है और बुरी तरीके से इस आंदोलन को दबाती है। इसी दौरान आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग लीडर्स का क्या रोल रहा था वो भी समझ लेते हैं। जयप्रकाश नारायण एस्टैब्लिश ए पैरेलल गवर्नमेंट इन ए बॉर्डर इन गवर्नमेंट ऑन द बॉर्डर ऑफ बिहार एंड नेपाल। कि जयप्रकाश नारायण जी भी पैरेलल गवर्नमेंट बना रहे हैं, साथ में राम मनोहर लोहिया, राम नारायण, अरुणा आसफ अली जैसे लीडर्स भी अंडरग्राउंड रहकर इस मूवमेंट को बल प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछा गया है, और कहते हैं उषा मेहता जैसे लोग यहाँ पर है ब्रॉडकास्ट द कांग्रेस रेडियो, और ये कांग्रेस रेडियो के द्वारा प्रसारित करके लोगों को सबसे ज्यादा बढ़ाने व आंदोलित करने में भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ न केवल लोग यहाँ पर, जितने भी रिच पीपल्स देखने को मिलेंगे, जितने भी लीडर्स के अलावा रिच जितने भी होंगे वो लोग भी, जितने भी अंडरग्राउंड रहकर जितने भी क्रांतिकारी काम कर रहे हैं उनके लिए थैली खोल दे रहे हैं। थैली का क्या मतलब होता है हेमंत सिंह जी? कहते हैं जहाँ जिसमें पहले ऐसा रखते थे कि एक थैली रखते थे, आज तो परस आ गया, उसमें थैली हुआ करती थी, उस थैली में पैसे होते थे, तो थैलियों का मुंह खोल दिया जाता, मींस पर्स खोल दिए जाते हैं क्रांतिकारियों के लिए रिच पीपल्स के द्वारा। तो न केवल आम लोग, किसान, रिच पीपल, स्टूडेंट, सब लोग इसमें
भाग ले रहे हैं इस मोमेंट के अंदर। सो ये वाली बातें देखने को मिलेगी। पुलिस इन द नवंबर 1940 एडी कहते हैं 1942 के अंदर उषा मेहता के रेडियो को खोज निकाला जाता है और इसको जब्त कर लिया जाता है, ये वाली बातें भी देखने को मिलेगी। इसी दौरान कांग्रेस का जो मूवमेंट था उसको ब्रिटिश सरकार बुरी तरह से दबाती है, लेकिन इसी बीच में क्या होता है ये देख लो, मूवमेंट ब्रॉक इट बैक, कहते हैं मूवमेंट दबा लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। इन द लास्ट फेज द स्टूडेंट एंड इंटेलेक्चुअल टुक कमांड ऑफ द मूवमेंट, दे स्टार्टेड फाइटिंग विद द गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर का मतलब ये होता है बच्चों कि सामने आमने सामने न लड़कर छापामार युद्ध करना, अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग लड़ाई लड़ना, ये वाली बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंटेलेक्चुअल और स्टूडेंट हैं वो अपनी अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने अपने हिसाब से ब्रिटिश सरकार से लोहा ले। आगे देखेंगे, इट स्पेशली इमर्ज्ड द यंग हु इज वेरी लार्ज नंबर फाइट देयर कॉलेज टू गो टू जेल, कहते हैं यहाँ पर जो बड़े अमाउंट में जितने भी स्टूडेंट थे वो कॉलेज वगैरह न जाकर अब जेल में जाना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं और इस मूवमेंट को बल प्रदान कर रहे हैं। एट दिस स्टेज गांधी जी डिड नॉट कंडेम द एजिटेटिंग वायलेंट एक्शंस बट द कंसिडर्ड दिस वायलेशन एज अ नेचुरल रिएक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट वायलेंस, कहते हैं अभी गांधी जी जिस प्रकार चोरा चोरी के अंदर एक पुलिस स्टेशन की घटना से मूवमेंट को विड्रॉ कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। गांधी जी कहते हैं कि ये नेचुरल है, क्रिया के प्रति केवल ये प्रतिक्रिया है। जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार वायलेंस के द्वारा भारतीयों का शोषण कर रही है, भारतीय मूवमेंट को दबा रही है, उन पे अत्याचार कर रही है, तो ये उनकी प्रतिक्रिया है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया है, बस वायलेंस नहीं है ये। आगे देखते हैं क्या कहते हैं, गांधी जी स्टार्टेड हिज फास्टिंग इन अ प्रिजन, गांधी जी यहां पर ही जो ब्रिटिश सरकार के वायलेंस के खिलाफ फास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं इसके दौरान हिज कंडीशन वॉज वर्स्ट, कहते हैं इस दौरान देखने को मिलेगा गांधी जी की स्थिति खराब हो जाती है, जिसके अंतर्गत देखने को मिलेगा कि जब गांधी की स्थिति खराब होती है तो हो सकता है ब्रिटिश सरकार चिंतित हो, लेकिन नहीं होती है, वो चाहती है कि होने दो गांधी जी की स्थिति खराब, तो फिर क्या होता है। बट द गवर्नमेंट वॉज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज इन द एंड, गांधी जी हिमसेल्फ ब्रोक हिज पावर, और जब लगा कि ब्रिटिश सरकार झुकने को तैयार नहीं है तो गांधी जी स्वयं ही फास्ट को तोड़ देते, क्योंकि कहते हैं कि जब दूर तक चलना हो तो एक साथ दौड़ के तुरंत दौड़ खत्म मत करिए, क्योंकि आप लंबे रेस के घोड़े हो। तो गांधी जी अपनी गंतव्य को पहचान रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर हमें कुछ हो गया तो मूवमेंट को आगे लेकर जाने वाला कौन बचेगा, उसको दिशा कौन देगा। तो वही चीज़ गांधी जी समझते हैं और ब्रिटिश सरकार कहते हैं कि इनका अंत हो जाएगा, हमारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, तो इस वजह से वो झुकना नहीं चाहती है। तो गांधी जी ब्रिटिश सरकार के इंटेंशन को समझ, रोल ऑफ पार्टीज, जब रोल ऑफ पार्टीज को देखते हैं तो जितनी भी कंटेम्प्रेरी जो पार्टीज हो और आइडियोलॉजीज के लीडर हो उनका क्या मत था और क्या उनके विचार कहें वो क्या थे इस क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। अगर हम मुस्लिम लीग को सबसे पहले उठाएं तो ये इस आंदोलन से अपने आप को सेपरेट मींस अलग रखती है कि भाई हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर हम चलते हैं लिबरल्स के बारे में, तो लिबरल्स वो उदारवादी जिसे हमने मॉडरेट कहा है, मॉडरेट भी ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे हैं किसको, क्विट इंडिया मूवमेंट को। आगे चलते हैं, तेज बहादुर सप्रू और अम्बेडकर जी भी इनको क्या क्या बोल रहे हैं देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे कि ये एक अनरेस्पॉन्सिबल मीन्स अनुत्तरदायी और टाइम अनटाइमली मीन्स असामयिक, और देखेंगे कि अविवेकपूर्ण निर्णय बताते हैं ये विद्वान भी इस आंदोलन के बारे में, कहते हैं ये अनुत्तरदायी अविवेकपूर्ण और असमय स्टार्ट किया गया आंदोलन है, ऐसा बोलकर इसको क्रिटिसाइज करते हैं। सो आगे देखेंगे, हिंदू महासभा और अकाली दल ये लोग भी इस मूवमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि गांधी जी ने ये क्या कर दिया।
तो ये सारी बातें देखने को मिलेगी। जब ये लोग इस भाषा में या इस सुर में गीत गाएंगे, जब अपने ही अपने खिलाफ ऐसे सुरों में गीत गाएंगे, तो ब्रिटिश सरकार तो नाचने के लिए तैयार थी इसी बात को लेकर। कहते हैं, ऑन 13 February 1943 द गवर्नमेंट इम्पोज फुल ब्लेम ऑन महात्मा गांधी जी एंड कांग्रेस। कहते हैं कि जब 13 फरवरी 1943 को ब्रिटिश सरकार इस पूरे आंदोलन का दोषारोपण महात्मा गांधी जी और कांग्रेस पे कर देती है और कहती है कि ये सारा सब कुछ किया धरा आप लोगों का ही है, तो इस बात को हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही देखने को मिलेगा इसी दौरान, ऑन दिस गांधी जी स्टार्टेड 21 डेज फास्टिंग, ऑन द 13th डे हिज कंडीशन बिकेम वेरी क्रिटिकल। कहते हैं कि इसी दौरान गांधी जी कहते हैं फास्टिंग स्टार्ट करते हैं और 13वें दिन उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा विकट हो जाती है। जब गांधी जी की इस बात को आम जन में बताया जाता है या आम जन जब सुनता है तो बहुत ज़्यादा आक्रोशित और आंदोलित हो जाता है, फिर वही मूवमेंट तेज गति से उठ खड़ा होता है। कहते हैं, इट इज सेड दैट द गवर्नमेंट स्टार्टेड वेटिंग फॉर हिज डेथ इन द आगा खां पैलेस। कहते हैं आगा खां महल के अंदर ब्रिटिश सरकार गांधी जी के मरने का वेट करने लगी। जब ऐसी बातें न केवल भारतीय मीडिया में गई और विश्व मीडिया में गई, तो पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिश सरकार के इस कृत्य की आलोचना की। ये वाली बात देखने को मिली। दिस बार्बरिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑपोजिशन टू द वायसराय काउंसिल मेंबर सर होमी मोदी एएन सरकार और रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इस जब इसके साथ साथ जितने भी होमी मोदी एएन सरकार हो अने हो, ये लोग भी कहते हैं कि गांधी जी के साथ ऐसा करना वायसराय का महागलत है, इस वजह से इनकी जो सदस्यता से ये अपना इस्तीफा दे देते हैं। ये बात भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहते हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश सरकार वेट कर रही कि गांधी जी के मरने का, तो इस वजह से यहाँ पर देखेंगे जब पूरे विश्व मीडिया ब्रिटेन का विरोध करता है, तो चर्चिल कहते हैं ब्रिटिश सरकार कैसे एक बुड्ढे के सामने झुक जाए। ये इन्हीं के शब्द है चर्चिल के, कि जो अर्धनग्न फकीर जो बुड्ढा है, जब ब्रिटिश सरकार हर मोर्चे पे जीतती है, वो एक बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकती है। तो ऐसे जो दुष्भावना कहे हैं, जो बुरे शब्द कहे हैं, ऐसे चर्चिल जो तात्कालिक प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन के, महात्मा गांधी जी के लिए कहते हैं। ये वाली बातें भी देखने को मिलेगी। साथ ही देखते हैं, गांधी जी वॉज रिलीज ऑन 9 May 1944 AD मीन्स वाइल हिज वाइफ कस्तूरबा इज इन द आगा खां पैलेस एंड प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई हैड डाइड। जब गांधी जी को छोड़ा गया, तब तक इनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी और इनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे महादेव देसाई का देहांत हो चुका था। साथ ही देखने को मिलेगा, क्विट इंडिया वॉज जेन्युइनली अ मास मूवमेंट ब्रिंगिंग इनटू इट्स एम्बिट हंड्रेड ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस। कहते हैं हजारों लाखों लोगों को आंदोलित करने में इस आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिनका अभी तक कोई मतलब ही नहीं था आंदोलनों से, वो लोग भी गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। साथ ही देखेंगे, हाउएवर व्हाइल द कांग्रेस लीडर्स लैंग्विश्ड इन द जेल्स। कहते हैं इसी दौरान जब कांग्रेस के लीडर्स जेल में थे, तो जिन्ना और मुस्लिम लीग अपनी स्थिति को या अपने प्रभाव को जमाने में सबसे ज्यादा कामयाब हो रही थी। इट वॉज इन दीज ईयर्स दैट द लीग बिगेन टू मेक ए मार्क इन द पंजाब एंड सिंध The province where it had previously had the scarcely and presence। कहते हैं इस दौरान जब कांग्रेस इस मूवमेंट के अंदर लगी हुई थी, तो उस टाइम के अंदर देखने को मिलेगा
कि जो मुस्लिम लीग है यहाँ पर इस सिंध वाले और पंजाब वाले क्षेत्र के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी है। साथ ही साथ देखेंगे कि बंगाल में भी स्थिति अपनी मजबूत कर रही है। तो इन क्षेत्रों के अंदर ये कांग्रेस की अनुपस्थिति में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और अपना डोमिनेंस मीन्स अपना प्रभाव जमाने का काम करती है। कौन? मुस्लिम लीग। आगे देखने को मिलेगा, लेटर दैट ईयर ही हैड ए सीरीज ऑफ मीटिंग विद द जिन्ना। आगे देखने को मिलेगा कि महात्मा गांधी जी और जिन्ना के मध्य बहुत सारी मीटिंग्स भी आयोजित होगी, सीकिंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग। कहते हैं कांग्रेस और लीग के मध्य जो गैप आ गया था उसको भरने का काम यहाँ पर किया जाएगा। सो ये बातें हमें यहां देखने को मिली। अब चलते हैं आफ्टर द मूवमेंट, जब आंदोलन खत्म हो जाता है और देखने को मिलेगा जब आंदोलन खत्म हो जाता है तो यहाँ पर एक स्थिति पैदा होगी कि इसके आगे की रूपरेखा क्या, इनके जो डिमांडों की क्या। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1945 का समय है और अब जो कंजर्वेटिव है वो सरकार से जा चुके हैं और सरकार आ चुकी है लेबर पार्टी की, जिसे हम लिबरल के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये आएंगे तो इनके एजेंडा में था कि हम भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, मींस भारत को आज़ादी की भी बातें करते हैं। इस समय जो प्रधानमंत्री भारत को आज़ादी देंगे वो लेबर पार्टी के इटली रहेंगे। तो वो क्या करते हैं देखें, लेबर गवर्नमेंट केम टू पावर इन द ब्रिटेन एंड कमिटेड इटसेल्फ टू ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया, कि भारत को वो स्वतंत्रता देंगे। अब देंगे कैसे, उसकी रूपरेखा भी तैयार करनी पड़ेगी। तो कैसे रूपरेखा तैयार करते हैं, मीनवाइल बैक इन इंडिया एंड द वाइसराय लॉर्ड वावेल ब्रॉट द कांग्रेस एंड द लीग्स टुगेदर फॉर अ सीरीज ऑफ टॉक। यहां पर जो इस समय जो वाइसराय है लॉर्ड वावेल है वो कांग्रेस और लीग के मध्य बहुत सारी सीरीज ऑफ टॉक करते हैं, अलग अलग से अलग अलग तरीके से बात करते हैं और उनकी मांगों को जानते हैं। साथ ही देखेंगे अर्ली इन 1946 फ्रेश इलेक्शंस वर हेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। कहते हैं 1946 में जब स्थिति क्लियर करने के लिए ये इलेक्शन करवाते हैं, कहाँ पर, 1946 में भारत के अंदर, ताकि ये उस समय किसका क्या बहुमत है, जब लोग बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो ये इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। तो इसी दौरान देखने को मिलेगा द कांग्रेस स्वैप्ड द जनरल कैटेगरी बट इन द सीट्स स्पेशली रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स द लीग वॉन ए ओवरवेलमिंग मेजोरिटी। और साथ देखेंगे द पॉलिटिकल पोलराइजेशन वॉज कंप्लीट। और देखेंगे इसी दौरान जब 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और अपनी रिपोर्ट सबके सामने रखता है तो उस पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस एग्री नहीं होते हैं। उसका कारण क्या था देखेंगे, एग्री ऑन ए फेडरल सिस्टम, ये फेडरल सिस्टम पर एग्री नहीं होते हैं। इस वजह से 1946 का जो कैबिनेट मिशन था ये भी फेल होता है, लेकिन भारत को दिशा और दशा दे चुका था डिवीजन ऑफ इंडिया। कहते हैं अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि आफ्टर द टॉक ब्रॉक डाउन जिन्ना कॉल्ड फॉर ए डायरेक्ट एक्शन डे। कहते हैं जब बातें खत्म होती है और बिना किसी निर्णय के खत्म होती है तो जिन्ना यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे मीन्स प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आह्वान करते हैं टू प्रेस द लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। किसकी, पाकिस्तान की डिमांड को बनाए रखने के लिए या कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार फिर दबाव बनाने के लिए। तो ये इन लोगों ने डायरेक्ट एक्शन डे यहाँ पर देखेंगे 16 अगस्त 1946 को आयोजित करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। ओके, ऑन द डेजिग्नेटेड डे 16 अगस्त 1946 ब्लडी रिवोल्ट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता। इसी दिन देखने को मिलेगा कि कलकत्ता के अंदर गलियों में खून बहता है। द वायलेंस स्प्रेड टू रूरल बंगाल्स देन द बिहार एंड देन अक्रॉस द कंट्री टू द यूनाइट प्रोविंस एंड द पंजाब। कहते हैं कि जो हिंसा है
बंगाल से शुरू होकर बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस और पूरे देश में फैलती है। जो जातिवादी, जो धर्मवादी, जो राजनीति कहते हैं, इस हिंसा को बढ़ावा दे दी। और ये अपने चरम लेवल पर पहुंच जाती है। तो इसी दौरान देखने को मिलेगा कि अब ये उस कंडीशन पर या उस स्थिति में ले जा चुके हैं जहां पर इस विभाजन के सिवाय कुछ भी ऑप्शन नहीं छोड़ा था इन लोगों ने। कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर में महात्मा गांधी जी न चाहते हुए भी अंत में इसके लिए अपनी हामी देते हैं। देखते हैं, इन दिल्ली देयर वॉज अ प्रोलॉन्ग्ड applause when the presidents of the constituent assembly begin the meeting by invoking the father of the nation Mohandas Karamchand Gandhi. Outside the assembly the crowd shouted Mahatma Gandhi ki jai ho, Mahatma Gandhi ki jai ho. जब संविधान सभा के अध्यक्ष गांधी जी के लिए फादर ऑफ द नेशन कहते हैं तो ताली की गड़गड़ाहट से पूरा सदन गूंज जाता है और साथ ही साथ जो असेंबली के अंदर, न केवल अंदर बल्कि बाहर भी, लोग महात्मा गांधी जी की जय करके नारे लगाते हैं। सो इस प्रकार देखने को मिलेगा, ये पूरा टॉपिक हमने पूरे विस्तार से समझा, यही आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।